तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल वैरियर। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल वैरियर, यानी पोटेंशियल वैरियर की ये एक्सप्रेशन क्या होगी, यानी पोटेंशियल वैरियर की हाइट की जो एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा। ओके, हम इसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल वैरियर, वैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल वैरियर बात एक ही है। ठीक, तो चलिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए, तो इन एन इक्विलिब्रियम, इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट बोथ जेई एंड जेएच, जेएच आर जीरो, आर जीरो, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में क्या होते हैं कि कोई करंट डेंसिटी नहीं होगी, ना तो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी, ना तो होल करंट डेंसिटी, कोई भी करंट डेंसिटी नहीं होगी। यहां जे एन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई करंट डेंसिटी नहीं होगी। तो दैट इज, मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ जे एच विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है, जीरो होगा, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं, और आप ये भी जानते हो अगर ये जीरो हो सकता है तो आपको पता है, देखिए वी नो दैट, मैंने आपको करंट डेंसिटी का फार्मूला बताया था, टोटल करंट डेंसिटी, उसमें दो चीजें क्या हैं कि ऐड होंगी, एक डिफ्यूजन, एक ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो फॉर होल के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर होल के लिए, होल के लिए मैंने बताया था जे एच विल बी इक्वल टू ई एन एच म्यू एच ई, बताया था कि नहीं, माइनस ई डी एच डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट, डी एन एच कंसंट्रेशन ऑफ होल, होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, याद आ रहा है, भूल गए, याद करो, होल के लिए बताया था, और वो एन टाइप के लिए क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए जे एन बराबर क्या, ई एन ई म्यू ई ई प्लस ई डी ई डी एन बाई डी एक्स, याद आ रहा ना, सब भूल जाते हैं आप लोग, ठीक। अब यहां इक्वेशन कह रहा है कि ये कितना हो? जीरो होता है। जब ये जीरो होता है तो बताइए हम यहां से क्या करेंगे, जब ये जीरो होता है तो यहां से क्या निकलेगा, तो देखना, यहां से ई इंटू डी एक्स हम निकाल सकते हैं यहां से, तो आगे चलो, हाँ तो देखना इधर, तो क्या होगा, ई एन एच इंटू म्यू एच की बराबर, वो तो जीरो हो जाती है, बराबर चला जाएगा ई डी एच, डी एन एच बाई कितना, डी एन एच बाई डी एक्स, क्योंकि वो बराबर जीरो हो गया ना, तो बराबर जीरो हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहां से हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जब मल्टीप्लाई कर लेता तो बचेगा क्या हमारे पास, ई बचेगा, डी एक्स बचेगा, विल बी इक्वल टू, देखिए ई से ई कट जाएगा, डी एच बाई कितना हो जाएगा, म्यू एच हो जाएगा, ठीक है ना, ये मोबिलिटी है म्यू एच, और इसके बाद क्या बचेगा, डी एन एच बाई कितना बचेगा, ये एन एच हो जाएगा, ठीक। तो अब देखना आप लोग, यहां तक की बात होगी ना, यहां तक की बात देखते रहना। अब यहां देखो आप लोग, यहां मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, ये पी रीजन होता है और ये क्या होता है, एन रीजन होता है, और यहां क्या होता है, ये ग्राफ मैंने बनाया था, यहां क्या होता है, वीपी होता है, और ये क्या होता है, वीएन होता है, यहां से यहां तक xp होता है, और यहां से यहां तक कितना होता है, xn होता है,
होता है ना। अब देखिए हम पोटेंशियल वैरियर निकालना चाह रहे हैं, ये देखते रहिए, काम की चीज है, काम लगेगा इसका, ठीक है, नहीं तो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ये वन हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन रिलेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड मोबिलिटी, इन दोनों का रिलेशन आइंस्टीन ने दिया था। देखिए फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या बताया था, डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी का जो रेशियो होता है वो के टी बाई क्या होता है, ई के होता है, और फॉर होल के लिए कितना होता है, फॉर होल के लिए बी एच बाई म्यू एच विल बी इक्वल के टी बाई, यानी दोनों की वैल्यू एक ही होती है। ओके वही होती है। तो अब देखना आप लोग, ये आइंस्टीन रिलेशन है। ओके ये क्या है बच्चों, आइंस्टीन रिलेशन है। तब आगे देखना, अब जब ये आइंस्टीन रिलेशन है तो इसकी वैल्यू, इसकी इस वैल्यू की जगह मैं ये रख सकता हूं केटी बाई, तो नाउ तो ई डी एक्स कितना लिख दूंगा मैं, इसी की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी जगह के टी बाई टी, और क्या लिखूंगा डी एन एच बाई कितना एन एच, क्या हो जाएगा एन एच, इसकी वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसे निकाल के रखा। ओके बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखना आगे, देखना द पोटेंशियल वैरियर तो क्या करेंगे, पोटेंशियल वैरियर निकालेंगे। द पोटेंशियल वैरियर इन द रीजन बिटवीन P to N रीजन के बीच में हम निकालेंगे, या N साइड टू P साइड, या N साइड N टू P, यानी N से कहां की ओर जाएंगे, P की ओर आएंगे, ठीक। तो अब देखना, तो हम करते क्या, VB will be equal to, जानते हो पोटेंशियल क्या होता है, E will be equal to DV by DX होता है, तो DV will be equal to into DX होगा, तो V will be equal to क्या हो जाएगा, into DX होगा कि नहीं बोलो, ये जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी रिलेशन, तो ये इनटू डीएक्स वी विल बी इक्वल टू इनटू डीएक्स हो जाएगा। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, या भी ऐसे लिखो डी विल बी इक्वल टू इनटू कितना डीवी, तो वी भी कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इनटू डीवी हो, सॉरी dx है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा e इंटू dx, लेकिन कहां से कहां तक, ये p साइड है और ये क्या है n साइड है, कहां से कहां तक का पोटेंशियल देखेंगे, यहां से देखो यहां तक, यानी n साइड टू क्या p साइड से इंटीग्रेट हम कर देंगे, ठीक। और e dx की वैल्यू अभी पीछे मैंने निकाल के रखा, आप देख सकते हैं, ये इसी की बात कर रहा था मैं ना? तो अब बताओ VB will be equal to, मैं क्या करूं, N side side to P side KT by E इसकी वैल्यू है, और क्या है बच्चों DNH by कितना NH, बस जस्ट इंटीग्रेशन है बस। चलो अब आगे मैं इंटीग्रेशन से करता चला जाऊंगा, VB will be equal to KT by E बाहर हो जाएगा, N side टू पी साइड और डी एन एच बाई कितना एन एच,
सारी दुनिया जानती है कि जैसे डी एक्स वाई एक्स का है ना, ये यानी एनएच के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो देखिए इस टाइप का है इंटीग्रेशन। इस टाइप के इंटीग्रेशन का क्या बनता है, लॉग बनता है, पता है कि नहीं, के टी बाई ई इसका क्या बनेगा बोलो, लॉग एन एच बनेगा ना, तो मैंने लिखा एन साइड टू कितना पी साइड, ठीक। अब देखो वी बी विल बी इक्वल टू के टी बाई ई, और मैं क्या लिखूंगा लॉग, देखो एन एच किधर साइड, पी साइड, एन एच तो है पी साइड, माइनस लॉग एन एच एन, यानी इसका मतलब समझते नंबर ऑफ होल्स इन पी रीजन, ये क्या है, ये मतलब नंबर ऑफ होल्स इन पी रीजन, और इसमें नंबर ऑफ होल्स इन एन रीजन, ये बात हो रही है, ये ऐसा लिखा है, इसका मतलब समझे आपके नहीं, नंबर ऑफ होल्स इन एन रीजन और एन एच पी, मतलब नंबर ऑफ होल्स इन पी रीजन, क्योंकि होल्स दोनों में होंगे ना, अगर मान लो पी है एन है, इसमें होल क्या होगी, होल तो होगा बट क्या होगा, मेजॉरिटी में होगा, और यहाँ होल होगा लेकिन क्या होगा, माइनॉरिटी में होगा, तो होल इन पी होल इन एन, पी में मेजॉरिटी में होगा, एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगी। समझ में आया बच्चों कि काम नहीं कर रहा, करना चाहिए, तो आगे चलता हूँ, आपकी आवाज कट के आ रही, मैं क्लियर समझ नहीं पाया क्या बोली है आप। हाँ तो आगे देखें, वीडियो क्लियर दिख रही है ना आप लोगों को, साउंड भी आ रहा है ना, के टी बाई ई, अब बताइए लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लोगो बताओ, लॉग एम बाई एन होता है ना, तो मैं लिख दूंगा, तो लॉग मैं लिखूंगा, देखो लॉग एन एच पी बाई एन एच एन, मैंने ये लिख दिया, ठीक। अभी काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा और, ठीक, आगे चलो, यहां तक की बात हो गई, चलो आगे चलता हूं। तो VB बराबर क्या हो जाएगा, KT by E हो जाएगा, लॉग होगा हमारा, देखो एन एच पी बाई, देखो एन एच एन ये लिखा है, मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किया ऊपर नीचे, एन ई एन, और यहां भी एन ई एन, मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक। एन ई एन का मतलब समझ रहे हैं, एन ई एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन साइड, समझ गए मेरी बात, एन ई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन साइड, समझो, बार बार देखें, तो अब देखना, और उसके बाद आप लोग जानते भी हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, देखना, एन एच एन इन टू एन ई एन विल बी इक्वल टू क्या होता है, एन आई स्क्वायर होता है क्या, यानी कंसंट्रेशन ऑफ होल इन एन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, यानी ऐसे तो पढ़ा था, होल इलेक्ट्रॉन, हाँ तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ होल इन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन, ठीक है ना, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच और नंबर ऑफ होल इन एच, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, तो बराबर लिख सकते दोनों, तो एच एन ई एन मैंने लिख दिया, ये बात समझ गए ना, अगर तो ये लिख सकते हैं ये भी आप लोग, क्या एन ई पी लिख दो, एच नहीं लिखना चाह रहे तो, और एन एच पी, ये दोनों लिख सकते हो, ये पूरा ये लिख सकते हो, मतलब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, नंबर ऑफ होल्स इन पी, ऐसे नंबर ऑफ होल्स इन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन, दोनों बात बराबर है, तो ये सब इसके इक्वल हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखो, ये थोड़ा अच्छी बात है, ठीक। अच्छा अब यहाँ हो गया, अब ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता, देखो ये क्या है, क्या एच पी ई एन, ये देखो एच पी ई, ऊपर वाले को नहीं लिख सकते ना, किसके किसको लिखूंगा, ये है क्या, कोई मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, देखो नीचे वाला मैच कर रहा है ना, देखो ये वाला, तो वी बी कितना हो जाएगा, के टी बाई ई हो जाएगा अलॉग। अब देखना, अब मैं क्या करूंगा, ये क्या हो जाएगा, एन एच पी इंटू एन ई एन बाई कितना, एन आई, ये भी होगा, ठीक है ना, ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं, इतना अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं, ये भी काम हो गया मेरा, अब बताओ ये काम हो गया मेरा, ठीक चलो आगे देखता हूं। अब मैं क्या करूं, देखो आप लोग ही जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, अगर मैं एन एच पी, एन एच पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एन ए लिख सकता हूं, नंबर हाफ होल्स इन पी क्या देता है, एक्सेप्टर आयन देता है, यानी पी में जो होल होते हैं क्या देते हैं बच्चों, एक्सेप्टर आयन देते हैं कि नहीं, तो एन ए लिख सकता हूं, और एन ई एन यानी पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर आप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन में हमको क्या देते हैं, डोनर आयन क्या करते हैं, देते हैं यानी प्लस वाले, यानी एन डी हो जाएंगे, तब यहां मैं रख सकता हूं, एक और नए फॉर्मेट में बन जाएगा हमारा फार्मूला, जब एक नए फॉर्मेट में मिल जाएगा फार्मूला हमारा, तो देखिए मैं इसे लिखूंगा क्या, अब देखना इसे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अब देखना वी बी विल बी क्वेश्चन, यहां लिखता हूं नीचे, तो देखना वी बी विल बी क्वेश्चन मैं क्या लिखूं, के टी बाई ई लॉग, क्या लिखूं इसकी जगह, क्या लिखूंगा देखो, यने लिखूंगा ना, यने लिखा इंटू कितना लिखा, एन डी लिखा बाई कितना, एन आई स्क्वायर लिखा, क्या बात है, ये है पोटेंशियल वैरियर का फार्मूला जिसकी हमको तलाश थी, बहुत दिन से परेशान था और वो आज मिल गया, ये फार्मूला है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कंडीशन भी, इस बात को समझा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखना इसे, ठीक, तो हो गया बच्चों बात समझ में आई, तो बस आज यहीं तक रखता हूं, ठीक ना, वीडियो इसका सेंड कर दूंगा, फिर से देख लेना, ओके ओके सर।